Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Looks Nutritious. आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं ब्रोकली सैलेड। ये कलरफुल सा सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए ब्रोकली। ब्रोकली हमारी थोड़ी सी येलो कलर में हो गई थी कन्वर्ट, लेकिन घबराना नहीं है आपने, ये ख़राब नहीं हुई है एंड यू कैन यूज़ इट टू। इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो कि थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, इसको हम रब करके रिमूव कर देंगे और इसको छोटे पीसेस में कट करके हम रख लेंगे। अब एक सेपरेट बाउल लेंगे और इसमें हम कट की हुई ब्रोकली को ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ ही हम इसके अंदर इतना पानी शामिल कर देंगे कि ब्रोकली आपकी सबमर्ज हो जाए या इसमें डूब जाए लेकिन मरे नहीं। पानी डालने के बाद इसमें एक चम्मच नमक का शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें मौजूद इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएं। ब्रोकली को 10 से 20 मिनट के लिए अब रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे। हमें इनको बहुत ही फाइनली चॉप करना है ताकि हर बाइट में हर वेजिटेबल आ सके। गाजर के आउटर लेयर को हम स्क्रेप करके साफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो आप पीलर से भी इसकी आउटर लेयर को निकाल सकते हैं, इसको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके बाद हम टमाटरों को भी चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो सीड्स भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इसको रिमूव कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनियन, ये वैसे तो पर्पल अनियन है लेकिन सब इसको रेड अनियन कहते हैं। प्याज को चॉप कर लेने के बाद इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि इसका मॉइस्चर रिलीज़ हो जाए। मूविंग बैक टू द रेस्टिंग ब्रोकली, 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद इसका पानी हम निकाल देंगे और इसको मज़ीद फाइनली चॉप कर देंगे ताकि बाकी की वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन हो जाए। अब बारी है सैलड ड्रेसिंग की, तो सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून हनी, हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट, 1 टीस्पून ग्राउंड ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं या फिर आप इसमें फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून टर्मेरिक, 1 टीस्पून क्यूमन सीड्स और ज़ीरा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कंबाइन कर लेंगे। ड्रेसिंग इज़ रेडी। अब बारी है इन तमाम चीज़ों को कंबाइन कर लेने की। सबसे पहले ऐड करेंगे हम ब्रोकली। अनियन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि वो एक्सेसिव सॉल्टी ना हो। ऐड योर चॉप्ड क्यूकम्बर्स, कैरेट, टमाटोज। नाउ स्वीट एंड टैंगी, खट्टी मीठी चीज ड्रेसिंग। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अल्लाह निगहबान।